नमस्ते, मैं भोपाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स का अधिकार नहीं है। हम भारत में रहते हैं और भारत के संविधान के हिसाब से हम सबके पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि मेजर रमेश उपाध्याय ने इंडिया टीवी न्यूज को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि पॉर्न दिखाया जाता था टू साध्वी प्रज्ञा जब वो जेल में थी उनके सामने, और उनको डेली थ्रेटन किया जाता था कि अगर वो इसके बारे में कुछ बोलेंगे तो उनकी डॉटर का रेप होगा। और वो रमेश उपाध्याय जी खुद कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आएगा तो दिस विल हैपन एट ऑन अ रूटीन बेसिस। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इन सब लोगों को कि मैं उनकी बात बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं महेश भट्ट साहब, जो एक पॉर्न एक्ट्रेस सनी लियोन को भारत में लेके आए थे एंड उनको काम दिया था इन बिग बॉस, एंड उस टाइम पे बिग बॉस के सीईओ थे राज नायक, जो ऑब्वियसली कांग्रेस सपोर्टर है, और उन्होंने कुछ दिन पहले एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मतलब ट्वीट करी थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि कैसे हिंदू लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हाइपर नेशनलिज्म के ऊपर, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। मैं उनको ऑब्वियसली तब कॉल आउट किया था, मैंने तभी उनको कॉल आउट किया था क्योंकि वो ऑब्वियसली शायद ये बात हिस्ट्री की भूल गए थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का पार्ट था, और बाबर के फॉलोवर्स ने ये दो देशों को हमारे देश भारत से छीन लिया था, एंड बंटवारा ऑफ भारत वॉज द फर्स्ट एक्ट ऑफ आतंक। यस, पार्टीशन ऑफ भारत इन 1947 वॉज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म जो किया गया था बाय द फर्स्ट आतंकवादी ऑफ इंडिया ऑफ भारत मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिज सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस हु ऑब्वियसली एग्रीड टू हिज डिमांड। ठीक है, तो अब मैं बिलीव करती हूँ कि कांग्रेस ने जरूरी दिखाया होगा साध्वी प्रज्ञा को पॉन जब वो जेल में थी, क्योंकि अभी हमारे पास विटनेस भी है मेजर रमेश उपाध्याय के साथ साथ ये बात का भी कि महेश भट्ट साहब इज द फर्स्ट एंड द यू नो डायरेक्टर प्रोड्यूसर टू ब्रिंग सनी लियोन इनटू बॉलीवुड एंड गिव हर वर्क थ्रू बिग बॉस, जब बिग बॉस के सीईओ राज नायक थे। तो कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स को पॉन बहुत पसंद है एंड दे आर इनडायरेक्टली टारगेटिंग द इंडियन ट्रेडिशंस बाय ऑब्वियसली मेकिंग अ पॉन एक्ट्रेस लाइक सनी लियोन एन ए ग्रेट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। धीरे धीरे ऑब्वियसली वो पॉन को भी लीगल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये ही उनका एजेंडा है। इसके अलावा कमिंग बैक अगेन टू साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा जब हिंदू आतंकवाद में पकड़ी गई तब कांग्रेस की सरकार थी। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर अमानवीय प्रातंडता की शिकायत पर जब जांच हुई तब कांग्रेस सरकार थी, और जब शहीद करकरे हेमंत करकरे जब शहीद हुए तब भी कांग्रेस की सरकार थी। सो मेरा सवाल सबसे एक ही है कि हम सबको पता है कि 2008 में जब हेमंत करकरे शहीद हुए थे तब उनके पोस्टर्स लगे थे एंड सारी पॉलिटिकल पार्टीज हेमंत करकरे की वीर गति प्राप्त होने का जो इंसिडेंट था उसको सपोर्ट कर रही थी। मगर हम सबूत के टाइम पे रहते हैं, जैसे लोग आज के टाइम पे सबूत मांगते हैं कि कैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से पाकिस्तान का F-16 शूट किया होगा। वैसे मैं सबूत मांगती हूं कि आप मुझे सबूत दीजिए कि हेमंत करकरे ने कैसे आतंकवादियों को मारा और किस तरह से उनकी मौत हुई, और आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक्चुअली आतंकवादियों को मारते हुए शहादत मतलब वीर गति प्राप्त हुए। वो हिंदू थे इसलिए आई शुड यूज द वर्ड वीर गति। अगर कोई मुसलमान गुजर जाता है तो शहादत कहते हैं, अगर कोई हिंदू गुजर जाता है तो वीर गति कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कि कैसे हेमंत करकरे को वीर गति प्राप्त हुई आतंकवादियों से फाइट करते हुए आज के समय में, क्योंकि आप लोग प्रूफ मांगते हैं कि आप सरकार से कि आप सरकार आपको प्रूफ दे कि कैसे MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को शूट डाउन किया। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए, अब एक नया पॉइंट।
मैंने कल कोई वीडियो देखा कांग्रेस का, जहां पे वो भक्त चरित्र करके प्रमोट कर रहे थे वो वीडियो को, और वो वीडियो के अंदर मैंने देखा कि कैसे वो टारगेट कर रहे थे भगवा रंग का कलर पहनने वाले साधु और साध्वी को, जो तिलक भी लगाते हैं भगवा रंग का, गले में रुद्राक्ष भी पहनते हैं। तो अभी तक जितने हिंदुओं को डाउट था कि कांग्रेस ऑब्वियसली एक सेक्युलर पार्टी है, आई थिंक वो डाउट भी चला गया होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ओपनली एंटी हिंदू वीडियो शेयर किया है, टारगेट किया है आरएसएस को, टारगेट किया है नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक हिंदू प्रधानमंत्री है। ओके, तो अब जिसके दिमाग में ये डाउट है कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, तो वो नहीं है, कांग्रेस आउट एंड आउट एक एंटी हिंदू पार्टी है, और वो चाहती है कि हिंदुस्तान से हिंदू खत्म हो जाए और वो अपना राज वापस पाले, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो अगर कांग्रेस ऐसा एंटी हिंदू वीडियो शेयर कर सकती है अपने सोशल मीडिया वेरिफाइड ट्विटर हैंडल पे, तो साध्वी प्रज्ञा जी, जो एक फॉल्सली अक्यूज्ड विक्टिम थी ऑफ हिंदू टेरर, वो अपनी कहानी शेयर कर सकती है अपने फॉलोअर्स के साथ, जब वो कैंपेन कर रही है बीजेपी सरकार की टिकट के ऊपर फ्रॉम भोपाल। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका सेम होना चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है कि साजन कुमार, जो अभी उनको कन्विक्ट हुए हैं इन 1984 सिख रायट्स में, जो अभी कन्विक्ट हुए हैं, उनको पहले टिकट दी गई है बाय कांग्रेस। साथ साथ में कांग्रेस ने टिकट दी है कोई इंसान भोलानाथ पांडे को, इसके बारे में पहली बार पढ़ रही हूं। ये भोलानाथ पांडे ने इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था और इंदिरा गांधी को जेल से रिलीज करने की मांग करी थी। वाओ, इंदिरा गांधी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर फॉर कांग्रेस, जब वो जेल में थी तो उनको रिहा करने के लिए भोलानाथ पांडे ने इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था, जिसमें ऑब्वियसली पैसेंजर्स थे, और इंदिरा गांधी के रिहा होने की डिमांड करी थी। दिस इज टू मच गाइस। और आप इस कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इंडिया में रहने वाले इनोसेंट इंडियंस? आपको ये नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे कोई भोलानाथ पांडे को टिकट दी जाती है बाय कांग्रेस, जो एक इंडियन एयरलाइंस प्लेन को हाईजैक करता है टू रिलीज हर। वाओ, एंड ये कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिली है उसके ऊपर इतना ड्रामा कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली फॉल्सली अक्यूज थी, टेरर चार्जेस उनके ऊपर ड्रॉप कर दिए गए थे, खाली अनलॉफुल एक्टिविटीज के चार्ज है, जो ऑब्वियसली बहुतों के ऊपर है। इनफैक्ट वो जो देशद्रोहियों को चीयर करने वाली चीयर लीडर है ना आंटी, जो गई थी बेगूसराय एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस हैं। इनफैक्ट उसके ऊपर, कन्हैया कुमार नाम है उसका, उसके ऊपर चार्जेस है आईपीसी सेक्शन 124A का, 323 का, 465 फॉर्जरी का, 471 यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट का, 143, 149 अनलॉफुल गैदरिंग का, 147 रायट का, एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो वो देशद्रोहियों की चेयर लीडर हमें लेक्चर दे रही थी कि कैसे साध्वी प्रज्ञा जी इज टेरर अक्यूज्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो जिसको सपोर्ट करने गई थी उसके ऊपर तो इतने सारे आरोप लगे हुए हैं। So can you understand the hypocrisy of these people? And obviously, जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो कहती है, obviously after seeing Congress का video which is targeting the Hindu and the Hindu धर्म के साधुस and the sadhvis and the prathas, she is saying that she is apologetic to the Muslims कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है। Oh my God, ये अत्याचार होने के बाद मुसलमानों की population कैसे बढ़ती है मुझे पता नहीं चलता भारत के अंदर। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप थोड़ा reproduction करके बच्चे पैदा करेंगे, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे ना। आप रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हैं और आपके लिए लोग कहते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। एंड वो ये बात भूल गई कि जिस साध्वी प्रज्ञा को वो टारगेट कर रही थी, वो स्वरा आंटी, वो ये बात भूल गई कि साध्वी प्रज्ञा अपना बयान दे रही थी अगेंस्ट हेमंत करकरे, हु वॉज नॉट अ मुस्लिम, ही वॉज अ हिंदू, आई थिंक हिंदू मराठी। So, मैंने उसका कास्ट नहीं देखा एग्जैक्ट क्लास, बट हेमंत करकरे वॉज नॉट अ मुस्लिम। तो ये जो लोग है ना, ये इतने नफरत से भरे हुए हैं कि ये साध्वी प्रज्ञा को अपना बयान नहीं देना चाहते हैं, देना देते
और कहते हैं कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, तो हेमंत करकरे कोई इंडियन मुस्लिम नहीं था, हेमंत करकरे एक ऑफिसर था और वो एज अ ऑफिसर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो एक बैड ऑफिसर हो सकता है, हेमंत करकरे एक इंडियन था। मगर ये लोग जैसे ये स्वरा आंटी या नवजोत सिंह सिद्धू, ये लोग ऑब्वियसली बैठ के हिंदू मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस बैठ के हिंदू मुस्लिम करता है जब वो भगवा रंग का कपड़ा पहनने वाले लोगों का वीडियो बनाता है और आरएसएस को टारगेट करता है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि कांग्रेस आरएसएस को टारगेट करता है इसके बारे में तो हम सबको पता है, मगर कांग्रेस लक्षारे तायबा या हुरियात या जमाते इस्लामी या ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों नहीं टारगेट करता? कांग्रेस सिर्फ आरएसएस के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि हम सबको पता है कि आतंक करने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि आरएसएस ने कोई आतंक किया है, मगर कांग्रेस आरएसएस के पीछे है, मगर कांग्रेस हुरियात जमाते इस्लामी और लश्कारे तायबा ये सब के पीछे नहीं होता। ये सब के जितने भी नेता होते हैं उनको अदब और सलामी से बात करता। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस का, ये एक्सपोज हो गया है। कांग्रेस अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत भक्त चरित्र करके वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो हम भक्त ऑफ भगवान राम भी आपकी नफरत कॉल आउट कर सकते हैं। जय श्री राम।